दिस बुक इज़ कॉल्ड मैट्रिक्स एंड मैं ये वीडियो हिंदी में बनाने वाली हूँ. एक्चुअली मैं बंगाली में बनाती हूँ, बट आई नो देयर इज मेनी पॉलिटेक्निक स्टूडेंट हु आर कमिंग फ्रॉम आउट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड दे आर सो फॉर ऑल द स्टूडेंट ऑफ पॉलिटेक्निक आई एम मेकिंग दिस वीडियो फॉर देयर सेमेस्टर एग्जाम. सो मैं ये वीडियो हिंदी में बनाने वाली हूँ फॉर ऑल द स्टूडेंट, राइट. सो आप देख सकते हो यहाँ पे मैं कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी CST इन पॉलिटेक्निक एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विच इज़ IT जो वेस्ट बंगाल के अंडर वेस्ट बंगाल बोर्ड के अंदर पॉलिटेक्निक करते हैं, इनके लिए मैट्रिक्स बुक होता है. वेस्ट बंगाल का जो टेक्निकल एंड वोकेशनल बोर्ड है उसके अंडर जो पॉलिटेक्निक कॉलेजेस होता है उसका मैट्रिक्स है, जो सेमेस्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. जहाँ पे ईयर वाइज एंड चैप्टर वाइज ऑल सब्जेक्ट्स आर देयर. सो दिस इज अ वेरी गुड सजेशन बुक गाइज, ओके. सो यहाँ पे जैसे तो फिजिकल ऑपरेटिंग सिस्टम था उसका पूरा सिलेबस यहाँ पे दिया है. फर्स्ट पे हमारा सिलेबस रहता है, दिस इज थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन विच इज आवर ऑटोमाटा. यू कैन सी ऑटोमाटा रेगुलर एक्सप्रेशन एंड दिस प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन विच इज द सब्जेक्ट एंड IT सब्जेक्ट ऑफ IT. यहाँ पे IT एंड CST का मिलता है एंड मल्टी मीडिया एंड ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी विच वॉज आवर इलेक्टिव सब्जेक्ट. एंड देन दिस नेटवर्क मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन विच इज ऑल्सो इलेक्टिव सब्जेक्ट. यहाँ पे पूरा सिलेबस रहता है फर्स्ट में. यहाँ पे आप देख सकते हो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, जावा प्रोग्रामिंग है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन है, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन इज फॉर IT स्टूडेंट एंड मल्टीमीडिया एनिमेशन टेक्निक दिस इज फॉर CST स्टूडेंट. दिस वॉज इलेक्टिव एंड नेटवर्क मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन दिस इज ऑल्सो इलेक्टिव. आई थिंक ये दोनों में कोई भी एक लेना था हमको, ऐसा कुछ था. ओके, सो दिस इज द ऑल कंटेंट्स ऑफ आवर CST एंड IT. ओके, सो यहाँ से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्टार्ट होता है. मैं आपको एक सैम्पल दिखाने वाली हूँ. आप देख सकते हो फर्स्ट में यहाँ पे यूनिटेड ग्लेंस रहता है. वहाँ पे क्या होता है, आपका पूरा दिया रहता है, सब कुछ दिया रहता है, यू कैन सी सब कुछ रहता है, पूरा इंट्रोडक्शन रहता है, चैप्टर वाइज इंट्रोडक्शन रहता है. यू कैन सी दिस इज द इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल, दिस इज क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल. पूरा यहाँ पे जो बेसिक्स होता है, इंट्रोडक्शन होता है, जितना भी इंट्रो चाहिए होता है चैप्टर का वो यहाँ पे रहता है. प्रोटोटाइपिंग मॉडल यहाँ पे है, हम देख सकते हैं यहाँ पे. ओके, एंड आफ्टर दैट हमारा जो पॉलिटेक्निक का एग्जाम होता था, हमारा जो क्वेश्चन पैटर्न था, लाइक फर्स्ट MCQ एंड देन आफ्टर दैट द 2 मार्क्स MCQ वॉज देयर एंड ऑल्सो जैसा जैसा एग्जाम का पैटर्न होता है ऐसा यहाँ पे सेम है. यहाँ पे जैसे MCQ हमारा होता था, आप देख सकते हो यहाँ पे ईयर वाइज हर MCQ यहाँ पे शॉर्ट आंसर तक क्वेश्चन है ईयर वाइज. एंड देन ट्रू फॉल्स भी कभी कभी रहता है गाइस, लाइक 5 मार्क्स का ट्रू फॉल्स 5 मार्क्स का MCQ ऐसा रहता था. सो यहाँ पे ट्रू फॉल्स भी दिया गया है विच इज ऑल्सो ईयर वाइज जो एग्जाम पे आ गया है ऑलरेडी ऐसा है. ओके, एंड देन आफ्टर दैट यहाँ पे आप देख सकते हो डिफाइन SDLC ईयर वाइज दिया गया है. आई थिंक जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता था जो थोड़ा डिफाइन करके लिखना पड़ता था, डिफिनेशन टाइप का है. आई थिंक दिस इज 2 मार्क्स क्वेश्चन विच इज ऑल्सो ईयर वाइज. ओके, वट इज SDLC एंड क्वालिटी ऑफ गुड SRS एंड बिटवीन प्रोग्राम एंड सॉफ्टवेयर डिस्टिंग्विश बिटवीन. अब देख सकते हो ये भी है एंड मॉडल क्वेश्चन भी यहाँ पे रहता है एंड द डिफरेंट फेजेस ऑफ SDLC एंड मेनी मोर्स आर देयर एंड आफ्टर दैट. अच्छा, ये भी कुछ है, आई थिंक दिस इज ऑल्सो 2 मार्क्स एंड दिस इज मॉडल क्वेश्चन. आई थिंक दिस इज नॉट 2 मार्क्स क्वेश्चन. ओके, अच्छा दिस इज लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो रहता है लास्ट में जो रहता है ना लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन. फॉर 10 मार्क्स जो रहता है, जहाँ पे हमको जैसे कि 3 क्वेश्चन और जैसे कि ए है 2 का A and B 2 क्वेश्चन मिला के है जो 10 मार्क्स का रहता है लास्ट में जो क्वेश्चन. लास्ट में मीन्स हमारा रहता है 20 MCQ एंड 6 और 5 क्वेश्चन, 50 का क्वेश्चन 10 का करना पड़ता है लॉन्ग आंसर टाइप. ओके, सो दिस इज द 10 मार्क्स क्वेश्चन. आप देख सकते हो यहाँ पे ईयर वाइज दिया गया है, यहाँ पे ईयर वाइज है एंड ऑल्सो मॉडल क्वेश्चन आर देयर ऑल्सो. यहाँ पे मॉडल क्वेश्चन है, राइट, यहाँ पे मॉडल क्वेश्चन है. सो मैं क्या बताऊँ, हाँ जो क्या करते हैं डेटा फ्लो डायग्राम सब कुछ है सॉफ्टवेयर इंजीनियर के बारे में. यहाँ पे यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, एजेंसी मैंने जैसे फर्स्ट में सिलेबस दिखाया है ऐसा ही यहाँ पे है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. सो मैं यहाँ पे जावा पे आ गई हूँ, इंटरफेस एंड पैकेजेस. दिस इज द जावा, क्लास एंड ऑब्जेक्ट मेथड्स. ओके,
सो आई वॉन्ट टू से दैट आपको जो है ना मीन्स सेमिस्टर में दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर सेमिस्टर एग्जाम गाइज एंड सेमिस्टर के पहले मीन्स बिफोर 3 months एंड 2 months आप अगर ये बुक लेके पर्स पढ़ने बैठते हो सो आई थिंक यू विल गेट ओके यू विल गेट 9 points एंड मोर देन एटलीस्ट यू विल गेट 9 points ओके बट फॉर मोर देन 9 points आई थिंक 9.8, 9.6 and 10 point also so for more than 9 point you have to go through with your textbook right textbook आपको पढ़ना पड़ेगा अगर आपको 10 point और 9 से ज़्यादा चाहिए तो अगर आप ये book पढ़ते हो यहाँ से आपको 60-70% common आएगा मैं 100% guarantee दे सकती हूँ 50-60% guaranteed common मिलेगा आपको okay from this guidebook actually this is a guidebook with answer but कभी कभी ऐसा होता है कुछ answer जो है होता है कुछ answer not up to the mark यहाँ पे कुछ answer ऐसे not up to the mark so आपको क्या है आपको सिर्फ ऐसे question collect करना है अगर आपको पढ़ के लगे this is not up to the mark so आप textbooks के answer उसका आंसर आप यहाँ पे लिख सकते हो और नोट्स बना सकते हो नहीं तो आप ऐसा कर सकते हो आप इंटरनेट से भी मदद ले सकते हो जहाँ पे आप अपना नोट्स बना के क्वेश्चन लेके नोट्स बना के आप अपना क्या कहते हैं उसको एग्जाम का नोट्स बना लो हो गया मैंने देखा है यहाँ पे कुछ जैसे लैंग्वेज का जावा प्रोग्राम का कुछ आपको मिलेगा विच आंसर इज नॉट अप टू द मार्क हाँ मैं नहीं कहूँगा दैट आंसर इज रॉन्ग मुझे कभी नहीं मिला आंसर इज रॉन्ग बट कभी कभी ऐसा होता है लाइक कुछ क्वेश्चन का आंसर ऐसे रीजन होता है जो आपको समझ में नहीं आता तो आप जैसे समझते हो ना जो भी पढ़ाई और जो भी सब्जेक्ट जो भी लैंग्वेज आप जैसे समझते हो आप ऐसे आप उसका आंसर बना लो क्रिएट कर लो नोट्स कर लो हो गया आपको तो सिर्फ गाइड चाहिए दिस बुक इज गाइड बुक गाइज ओके ये मॉडल क्वेश्चन है या एडवाइस क्वेश्चन है आई नो यू विल गेट कॉमन एटलीस्ट 50-60% कॉमन एंड 100% गारंटी एंड फॉर योर मार्क्स ओवर 70% और ओवर 80% यू हैव टू गो थ्रू थॉरोली आपको थॉरोली जाना पड़ेगा टेक्स्ट बुक और थॉरोली आपको सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा आपको खुद का नोट्स रहना चाहिए आपको क्लियर होना चाहिए यहाँ पे क्लियरली बहुत कुछ डायग्राम बहुत कुछ दिया जाता है जो जहाँ पे जो होता है ओके यू कैन सी ये सब क्वेश्चन तो इम्पॉर्टेंट होता है लाइक कंपाइलर इंटरप्रेटर डिफरेंस एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा देयर इज मेनी मोर यहाँ पे सब कुछ होता है सॉरी आप ये मत देखो प्लीज डोंट सी दिस अच्छा अभी क्या है आई थिंक ओके एंड ऑल्सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट आप ये देख रहे हो ना जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर था हाँ ये जो देख रहे हो दिस इज द क्वेश्चन पेपर ओके दिस इज क्वेश्चन पेपर ये देखो 2016 दिसंबर का क्वेश्चन पेपर राइट दिस इज क्वेश्चन पेपर 2015 दिसंबर क्वेश्चन पेपर फ्रॉम ये एक्चुअली सब्जेक्ट क्या है इसका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर भी आपने दिया हुआ होता है लास्ट ईयर का लाइक आप अगर 21 में हो मैं 2020 की बात कर रही हूँ ओके फाइन मैं 2020 की बात नहीं कर रही हूँ मैं 2019 की बात कर रही हूँ अगर आप 2019 में दे रहे हो एग्ज़ाम सो आप अगर मैट्रिक्स लिया है सो आपको 18 का क्वेश्चन पेपर यहाँ पे मिल जाएगा ओके विथ आंसर ऑल्सो देख सकते हो 16 है अच्छा 21 साल का बुक साइड नो मैं भूल गई हूँ बट आई थिंक हाँ 17 भी है देखो 17 भी है अच्छा 18 नहीं है ओके एंड 21 साल का बुक है अच्छा हो गया ऐसा कुछ है ऑपरेटिंग सिस्टम है यहाँ पर देखो यहाँ पे डायग्राम भी दिया हुआ रहता है जो कुछ का डायग्राम चाहिए होता है उसका डायग्राम रहता है देखो यहाँ पे ऑटोमाटा है रेगुलर एक्सप्रेशन का जो डायग्राम होता है जिसको समझ के करना है ऐसा भी दिया रहता है ओके सो यहाँ पे एक ही इम्पॉर्टेंट बात कहना है आपको आप देख सकते हो यहाँ पे ऑटोमाटा कैसे दिया गया है ईयर वाइज मॉडल क्वेश्चन ऑल आर देयर आर अर्डेंस थ्योरम आर देयर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ आवर टाइम एंड सो मैं बेसिकली ये कहने वाली दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज वेरी हेल्पफुल बुक फॉर any polytechnic student who are in the college under West Bengal board okay West Bengal technical and vocational board ke andar jo log ho this is very important book from them okay
एंड इतना प्राइस भी नहीं होता है, इसका प्राइस था 500। कॉलेज स्ट्रीट में अगर जाते हो तो डिस्काउंट मिल जाता है, सो इसके ऊपर भी होता है कभी कभी 550 भी होता है, अप डाउन होता है इसका प्राइस। ओके, सो आप देख सकते हो यहाँ पे, दिस इज़ वेरी यू नो, दिस इज़ वेरी यूजफुल एंड दिस इज़ वेरी हेल्पफुल गाइड बुक, यू नो, विदाउट कोचिंग विदाउट ट्यूशन यू कैन गो थ्रू दिस। अगर आप देखो, अगर आप कॉलेज का नोट्स लेके कॉलेज से सब कुछ समझ लेते हो ना, ऑल आर क्लियर इन योर कॉलेज फ्रॉम योर कॉलेज, सो अगर ये बुक आप देखते हो पढ़ते हो, सो डेफिनेटली यू विल गेट 8 greater than 8 point एंड 9 point also, greater than 9 point also, 9 point के लिए थोड़ा बहुत मेहनत करना, थोड़ा बहुत क्या, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। यू हैव टू गो थ्रू द टेक्स्ट बुक्स ऑल्सो। ओके, अब देख सकते हो यहाँ पे ऑटोमाटा का सब कुछ है यहाँ पे, हाँ यहाँ पे टेबल भी है, या आई थिंक NFA टू DFA का है, हाँ डिज़ाइन यहाँ पे DFA डिज़ाइन करने के लिए बोला है, यहाँ पे NFA करके फिर यहाँ पे DFA टेबल करके फिर DFA करना पड़ता था, एंड दिस इज़ NFA टू DFA कन्वर्शन। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बुक गाइस, एंड दिस इज़ वेरी हेल्पफुल, एंड सो प्लीज़ कॉमेंट मी एंड लाइक माई वीडियो इफ़ यू लाइक माई वीडियो एंड इफ़ यू लाइक दिस टॉपिक ऑफ माई न्यू वीडियो, सो प्लीज़ कॉमेंट मी। ओके, सो थैंक यू गाइज़।